सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आर्मी यानी डेथ ईटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके टॉप 10 रूल्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा, ऐसे 10 रूल्स जो डेथ ईटर्स विजार्डिंग वॉर 1 और 2 में फॉलो करते थे। फर्स्ट, डेथ ईटर्स को मास्क पहनना जरूरी है, और फर्स्ट विजार्डिंग वॉर के दौरान ऑलमोस्ट सारे ही डेथ ईटर्स मास्क पहनते ही थे, ताकि वो डेथ ईटर कौन है इस बारे में किसी को ना पता चले, ताकि वो पकड़ा ना जाए। हालांकि सेकंड विजार्डिंग वॉर में काफी डेथ ईटर्स ने मास्क पहनने बंद कर दिए थे, क्योंकि तब हालात कुछ और हो गए थे। सेकंड, कोई भी डेथ ईटर किसी और डेथ ईटर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, जैसा मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया कि डेथ ईटर को मास्क पहनना कंपलसरी था, ताकि उसे पहचाना ना जा सके, उसके खुद के साथी भी उसे ना पहचान सके, क्योंकि अगर एक डेथ ईटर पकड़ा गया तो वो अपने सभी साथियों के नाम बता देगा। इसलिए कोई डेथ ईटर किसी भी डेथ ईटर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। और हाँ, ये रूल फर्स्ट विजार्डिंग वॉर के दौरान ज्यादा फॉलो किया जाता था, सेकंड वॉर में ये काफी कम हो गया था, क्योंकि फर्स्ट विजार्डिंग वॉर के दौरान जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लिली के घर पे जाके हैरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता है, उसके बाद सारे डेथ ईटर्स पकड़े जाने लग गए थे, जिस वजह से काफी डेथ ईटर्स के जो है नाम सामने आने लग गए थे, और वो कौन कौन डेथ ईटर्स है ये सबको पता चल चुका था। इसलिए सेकंड विजार्डिंग वॉर के दौरान मास्क को इतना कंपलसरी फिर नहीं करा गया। थर्ड, डेथ ईटर्स को डार्क क्लॉथ्स पहनना कंपलसरी था। आपने जितने भी डेथ ईटर्स को देखा होगा वो हमेशा डार्क क्लॉथ्स में ही होते थे, या तो डार्क ब्लैक या डार्क ग्रीन, और हाँ, अम्ब्रिज डेथ ईटर नहीं थी, तो कोई पिंक कलर कमेंट मत कर देना। फोर्थ, दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है कि डार्क मार्क सबके हाथ पर दिया जाएगा जो भी डेथ ईटर होगा। ये चीज आपने ड्रैको के ऊपर भी नोटिस की होगी, उसे भी एकदम डार्क मार्क दिया गया था। डार्क मार्क की बदौलत आपको पता चल जाता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि डार्क मार्क में जलन होने लग जाती है, और उस डार्क मार्क की मदद से आप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को भी बुला सकते हैं, मतलब डेथ ईटर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बुला सकते हैं। फिफ्थ, कभी भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम यूज नहीं करना। यानी आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर डेथ ईटर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को डार्क लॉर्ड या माय लॉर्ड कहकर बुलाते थे, और टॉम रिडल नाम यूज करके लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बुलाना तो बहुत दूर की बात है। सिक्स पॉइंट, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के ऑर्डर का पालन करना, वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो काम डेथ ईटर से करवाना चाहता है या उसे जो काम मिला है वो उससे पीछे नहीं हट सकता। अब उस डेथ ईटर को वो काम करना ही होगा बिना कोई सवाल उठाए। सेवन पॉइंट, डेथ ईटर को डार्क मार्क का यूज करना है ताकि लोगों के बीच लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लेकर डर का माहौल बना रहे। डेथ ईटर्स अपने प्रेजेंस के रूप में उस जगह डार्क मार्क का यूज करेंगे जहां वो है, या अपना काम पूरा करने के बाद, या किसी को मारने के बाद डेथ ईटर्स वहां हवा में डार्क मार्क बना देंगे। एट पॉइंट, सभी डेथ ईटर्स अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स ही भेजेंगे, और डेथ ईटर्स के जितने भी बच्चे हैं वो आगे चलकर डेथ ईटर ही बनेंगे। और जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का हॉगवर्ट्स पर कब्जा हो गया था तो डेथ ईटर का काम ये भी हो गया था कि वो स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करे और बताए कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कितना महान है और कितना अच्छा है, ताकि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल कर पाए। 9 पॉइंट, जो कि विजार्डिंग वॉर 2 के दौरान ज्यादा फॉलो किया जाता था, वो है जब भी किसी डेथ ईटर को हैरी पॉटर दिखे तो उसका सबसे पहला काम होगा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बुलाना डार्क मार्क के चलते, या हैरी पॉटर को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास ले जाना। बट ये रूल कई बार टूटा था, जैसे कि इस सीन के दौरान। टेंथ पॉइंट, कोई भी डेथ ईटर हैरी पॉटर को नहीं मारेगा, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को मारना चाहता था, तो डेथ ईटर बस उसे पकड़ सकता है, मार नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को